10 hidden myths in Indian bike driving 3D. तो सॉरी गाइस कल वीडियो नहीं डाल पाया, बट गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज काफी सारे न्यू मिथ्स आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिथ नंबर 1, घोस्ट बाइक का कलर चेंज कर सकते हैं और ट्रोन बाइक RGB करने पर सीट हर बार पिंक नहीं होती है। तो गाइस मुझे नहीं पता यार, घोस्ट राइडर बाइक को अपन कलर कर भी सकते हैं या फिर नहीं, और इसके आग का कलर भी चेंज होता है कि ये भी देख लेंगे अभी। तो यहाँ पर जल्दी से करते हैं, सबसे पहले येलो कलर, और आग का कलर भी वैसे येलो ही है। अब करते हैं ग्रीन, नहीं यार आग का कलर चेंज नहीं हो रहा, बाकी सारे कलर्स हो रहे हैं। ये देखो पिंक कलर में भी काफी बढ़िया लग रही थी यार, ये ब्लैक भाई साहब ब्लैक में तो एक नंबर लग रही यार, ये कितनी जबरदस्त लग रही है आग के साथ में, तो ये काफी मस्त है। और अब करते हैं डायरेक्ट मिक्स कलर, मिक्स कलर में देखोगे आप हैंडल अलग कलर का हो रहा है। चलो फाइनली करते हैं RGB, और RGB में तो यार कुछ खास हुआ नहीं, मुझे लगा था आग का कलर भी चेंज हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। ऑलराइट गाइस, अब मैंने ट्रॉन बाइक को बुला लिया, आप देखते हैं गाइस इसके कलर में जो सीट है वो एक ही कलर की रहती है या अलग अलग कलर में चेंज होती है। जैसे कि अभी सीट देखोगे ग्रे कलर की है, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं कर रहा हूँ इसको येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, इन सब में तो ये ग्रे ही रह रही है, लेकिन अगर मैं मिक्स कलर करूँ तो भी ग्रे है, और जब RGB करेंगे तो पिंक हो जाएगी। ये तो सभी को पता है कि RGB करने पर पिंक हो जाती है। और अगर मैं फिर से RGB पे क्लिक करूँ तो क्या ये सीट चेंज होगी? नहीं गाइस, पिंक कलर की रह रही, और अगर मिक्स पे करें तो वाइट कलर की हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर RGB मिक्स करने पर ये वाइट एंड पिंक होती रहती है, बाकी कोई भी कलर काम नहीं करता है। बाकी गाइस ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 2, अगर आप नॉर्मल कार या बाइक से जाते हो तो जॉम्बीज आपको झुंड में दिखेंगे, मतलब एयरपोर्ट पे जाते हो तो जॉम्बीज आपको झुंड में दिखेंगे, लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर या प्लेन से जाते हो तो देख सकते हैं जॉम्बीज कैसे स्पॉन होते हैं। तो गाइस अभी मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और जॉम्बीज यहाँ पर पहले से स्पॉन पड़े हैं और वो झुंड में भी है। गाइस ये देखो यहाँ पर ये हमला करने को आ चुके हैं नुबड़े सारे के सारे। अब देखो गाइस मैं हेलीकॉप्टर से यहाँ पर एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और यहाँ पर जॉम्बीज देखो गाइस थोड़े थोड़े करके स्पॉन हो रहे हैं। क्या ये और बढ़ने वाले हैं? नहीं, अब नहीं बढ़ रहे यहाँ पर, लेकिन ये फैल रहे हैं भाई। देखो पहले तो एक साथ खड़े थे लेकिन अब ये फैल रहे हैं धीरे धीरे करके, अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन इनके पास जाऊंगा तो शायद ये पीछे पड़ जाएंगे मेरे, अभी तक तो नहीं पड़ रहे। देखो गाइस पूरे फैल चुके हैं चारों तरफ ये, और अब पीछे पड़ गए मेरे भाई, ये देखो। तो गाइस भाई ने एकदम सही बोला, ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 3, भाई अगर आप मेगा रैम के पीछे वाली वॉल पर चिपक कर गाड़ी स्पॉन करोगे तो आगे चली जाएगी। तो अभी मैं आ चुका हूँ गाइस मेगा रैम के ऊपर, और ये वाली साइड वॉल है, ये भी साइड वॉल है, और ये वाली पीछे की वॉल है, ठीक है। तो सबसे पहले साइड वॉल पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या अलग होता है जो वहां पर नहीं हो रहा है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ राइट वाली वॉल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर एक गाड़ी को स्पॉन करते हैं और देखते हैं गाड़ी कहाँ पर जाती है। 5000 नहीं भाई, 500 डालो, और यहाँ पर गाड़ी भाई दीवार के पार चली गई, यानी कि उस पार चली गई, नीचे भी गिर गई होगी। अब एक काम करते हैं पीछे वाली वॉल पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर गाड़ी कैसे स्पॉन होती है। ऑलराइट गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पीछे वाली वॉल पर, अब यहाँ पर गाड़ी स्पॉन करके देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम कार स्पॉन करेंगे, और भाई ये तो आगे ही आ गई यार, ये देखो पीछे जाने की बजाय आगे आ गई ये तो, और मैं फंस चुका हूँ इसके अंदर, हिल भी नहीं पा रहा मैं तो, ये देखो एकदम अजीब तरीके से फंस चुका हूँ। एक काम करते गाइस ट्रक विद ट्रेलर भी स्पॉन कर देते हैं यहाँ पर और देखते हैं फिर क्या होता है, क्या मैं मर जाऊंगा? ओ भाई मैं तो और ज्यादा फंस गया भाई, ट्रक भी गाड़ी के ऊपर आ गया भाई, अंदर आ गया, ये देखो दोनों के दोनों गाड़ी अंदर चिपक चुकी है। अब इसके बाहर निकलने का एक ही तरीका है, यहाँ पर स्टिकी बॉम्ब बस फेंकते रहो फेंकते रहो फेंकते रहो, और मैं बाहर आ गया बस, और भाई ट्रक गायब हो गया यहाँ से। भाई साहब ये तो काफी खतरनाक ग्लिच है यार, ट्रक गया कहाँ वैसे? दीवार के आर पर वो रहा भाई, वहां पर खड़ा है। तो गाइस भाई ने एकदम सही बोला, ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 4, रात को पानी के साथ जो रैंप होता है वहां घोस्ट रहता है। तो शायद गाइस यही वाले रैंप की बात हो रही है जो कि पानी के पास में। सबसे पहले लगाते हैं नाइट मोड बिकॉज भाई ने बोला रात में ही आपको भूत दिखेगा, तो चलो इसके पास चलते हैं जल्दी से। लेकिन गाइस ये पानी वाली जगह बहुत डरावनी लगती है यार, ये ग्लो भी कैसे करता है, और साइड में देखो ट्री भी ग्लो कर रहे हैं, तो यार थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है यहाँ पर। ओके यहाँ पर देखो मैं ब्रिज के पास रैंप के पास पहुंच चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, देख सकते हो कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं इस गाड़ी को है ना इसे रैम के चिपका के रखते हैं और इसके अंदर उतरते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखो एक इनविजिबल वॉल है, तो इसके अंदर आ रही यार, रुक जा थोड़ी साइड में, बस बस चलो भाई उतरते हैं और चलते हैं इसके अंदर, क्या पता इसके अंदर एक घोस्ट हो। तो यहाँ पर तो मुझे यार कुछ भी नहीं दिख रहा है, और मैं रैम के बाहर भी आ गया, लेकिन अब अंदर नहीं जा सकते भाई वापस। लेकिन गाइस यहाँ पर कोई भी घोस्ट तो मुझे नहीं दिख रहा, चारों तरफ देख लिया मैंने, तो गाइस ये वाला मिथ बस्ट है।
कार शोरूम में मस्टैंग का लेफ्ट साइड वाले डोर का कलर कुछ ज्यादा ही लाइट होता है। तो अभी हम आ चुके हैं शोरूम के अंदर और ये रही गाइस मस्टैंग। और वाकई में गाइस इसका लेफ्ट साइड वाला जो डोर है वो कुछ ज्यादा ही लाइट कलर का है। बाकी गाइस आप देखोगे सिल्वर कलर की ये कार है और डार्क कलर है, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला दरवाजा कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा है। एक काम करते हैं गाइस यहाँ पर इसका कलर चेंज करते हैं ऑरेंज करके देखते हैं। और अब वापस से चल के देखते हैं पीछे क्या लाइट हो रहा है कलर ये भी। अरे हाँ यार भाई साहब ये तो काफी अजीब लग रहा है, जबकि यार हम कार में इस साइड से थोड़ी बैठते हैं भाई, उस साइड से बैठते हैं, फिर भी ये वाला कलर क्यों ग्लो कर रहा है मुझे नहीं पता गाइस। एक काम करते, अरे यार ये क्या ओपन कर दिया मैंने, एक काम करते हैं मिक्स कलर करके देखते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। अरे यार मुक्के बाद में चला लियो भाई, पहले मिथ तो कन्फर्म करा दे। नहीं गाइस इसमें भी ग्लो कर रहा है भाई, ग्लो कर रहा है, पूरी कार डार्क पड़ी लेकिन दरवाजा ग्लो कर रहा है। अब गाइस लास्ट कलर बचा है RGB, अब इसमें देखते हैं क्या होता है इसमें। नहीं भाई इसमें तो बिल्कुल सेम कलर है, कुछ भी ग्लो नहीं कर रहा है। बाकी गाइस ये वाला मिथ कंफर्मड है। मिथ नंबर 6, अगर आप आरजे स्टूल में माइकल लिखते हो तो माइकल कैरेक्टर आ जाएगा। तो गाइस मुझे तो शुरुआत में ये फेक लग रहा है लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो माइकल का स्पेलिंग तो ढंग से मुझे याद है नहीं, चलो लिखते हैं MICHAELE, यही होगा ना माइकल। चलो भाई डाल, ओ भाई साहब ये क्या है, लेकिन ये कैमरा मूवमेंट कैसे हो गया भाई ये। अरे भाई, अरे भाई भाग भी रहा है, ये कैसे भाग रहा है, अबे साइड में कैसे भाग रहा है भाई। भाई मैं सपना तो नहीं देख रहा ना, माइकल कैरेक्टर भाई इसके अंदर कैसे आ गया। अरे भाई साहब ये देखो गाइस, ये प्रॉपरली चल रहा है भाई, भाग भी रहा है चल भी रहा है, अरे बाप रे बाप। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, टोटली फेक है, ये मैंने एडिटिंग से लगाया है, तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ नंबर 7, अगर हम ट्रेन वाले एरिया पर जाकर जो बड़ा वाला रैंप है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर लेकर जाएं तो उसके ऊपर चल सकते हैं। ऑल राइट गाइज ये फिर से वही वाले रैंप की बात हो रही है, चलो गाइज जल्दी से बुलाते हैं हेलीकॉप्टर को, लेके चलते हैं इसके ऊपर और देखते हैं गाइज क्या यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर इसके ऊपर लैंड कर पाएंगे। अगर लैंड कर पाए तो भाई इसके ऊपर चल भी सकते हैं अपन लोग। तो ऑलमोस्ट गाइज मैं इस रैंप के ऊपर पहुंच चुका हूँ, बस थोड़ा सा दूर और बस 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 रोक 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 रोक। अरे अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार भाई इसके आर पार चला गया क्या, नहीं इसके आर पार तो नहीं हुआ है भाई यार, थोड़ा आगे आ गया, अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अरे भाई यार, भाई एक बार में नहीं होता ना, ये दिमाग खराब करेगा, अब ये घूमेगा बहुत मुश्किल से। चलो वापस से ट्राई करते हैं। ओके गाइस काफी मुश्किल से मैंने इसको घुमा तो दिया, चलो इसको लैंड करते हैं आराम से एकदम परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके ओके, थोड़ा सा और इसकी, अरे भाई ऊपर लेना है क्या, यहाँ पे तो जा ही नहीं रहा आगे, एक सेकेंड ऊपर लेते हैं। अबे कहाँ अटक गया, हटना, हाँ बस बस थोड़ा सा ऊपर और, अरे 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 आराम से आराम से आराम से, बस आ गया ना मैं भाई, ये देखो बस गिरना मत। अरे भाई साहब ये हेलीकॉप्टर गिरा देता अभी मुझे, लेकिन मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ। एक काम करते हैं, सबसे पहले इन्फिनिटी हेल्थ लगाते हैं और इस हेलीकॉप्टर को नीचे धक्का देते हैं। चलो भाई 9129 और RPG निकाल के, चल बेटा निकल, तेरा काम खत्म। और भाई मैं रैंप के ऊपर खड़ा हूँ, ये देखो यार ये कौन सी इनविजिबल वॉल लगी यहाँ पर, ये देखो गिर भी नहीं रहा मैं। गाइस कौन कौन इस ब्रिज के ऊपर चढ़ा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी यार काफी ज्यादा अच्छा व्यू मिल रहा है, अरे हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया भाई, काफी ऊंची जगह है ये, बिल्डिंग के बराबर लग रहा है ये रैंप, मुझे काफी बड़ा है ये। अरे अबे यार गिर गया नीचे। बाकी गाइस भाई ने एकदम सही बोला, ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 8, 333 वाली और 444 वाली कार का जो इंटीरियर बिल्कुल सेम है। तो 333 से आई थिंक स्कॉर्पियो आती है, लेकिन कौन सी वाली, ओके क्लासिक वाली स्कॉर्पियो आई है, और 444 से भी स्कॉर्पियो ही आती है, लेकिन ये वाली है S11, ठीक है भाई। बाहर से भी तो बिल्कुल सेम ही लग रही है यार, ये कुछ भी डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा है। चलो एक बार अंदर बैठ के देखते हैं और इंटीरियर देख लेते हैं फटाफट से। ओके तो यहाँ पर व्हाइट कलर का इंटीरियर और बीच में ये डिस्प्ले भी आप देख लो, यहाँ पर ग्रीन कलर की दिख रही है। चलो अब दूसरी वाली के अंदर बैठते हैं और देखते हैं उसका इंटीरियर कैसा है। तो यार गाड़ी बाहर से सेम लग रही तो अंदर से भी बिल्कुल सेम ही होगी जहाँ तक मुझे लगता है, देख लेते हैं लेकिन फिर भी अपन। और FPP मोड में, अरे हाँ यार ये तो बिल्कुल सेम इंटीरियर है यार, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पता नहीं क्यों बनाया इसको, मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों कार्स को कॉपी पेस्ट मारा गया है। बाकी गाइस ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 9, बिग लाइट स्पॉन करो, यानी कि 3x से बिग लाइट बनानी है, उसके बाद मस्टैंग को स्पॉन करना है, कोई भी कलर कर लो और साइन करेगी, फिर उसको ब्लास्ट करके बैठने वाले बटन को एक साथ दबाओ, फिर होगा मैजिक।
तो गाइस तीनों बाइक को स्पॉन कर दिया, ये आखिरी वाली बाइक बची और भाई बिग लाइट अपनी बन चुकी है। चलो गाइस अब इसके बीच में चलते हैं और मस्टैंग कार को स्पॉन करके देखते हैं क्या होता है। तो गाइस मैं तो पूरा व्हाइट व्हाइट हो चुका हूँ और यहाँ पर मैंने बुला लिया मस्टैंग को और मस्टैंग भी पूरी व्हाइट हो चुकी है। काम करते इसका कलर चेंज करते हैं और देखते हैं भाई शाइनिंग कलर आता है या फिर। पहले भी गाइस मैंने आपको गाड़ियों को शाइन करके दिखाया था लाइट के अंदर, काफी मस्त लगती है। जैसे कि देखो अभी मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर कर रहा हूँ और ब्लैक कलर में तो कुछ ज्यादा ही अलग दिखती है, देखो पूरी शाइन मार रही है। ओके, इसके अंदर हमें बैठना भी है तो यहाँ पर सबसे पहले इन्फिनिटी हेल्थ लगा लिए मैंने। अब जल्दी से गाइस यहाँ पर आरपीजी से उड़ाएंगे भी और बैठने वाला बटन साथ में दबाएंगे, देखते हैं क्या मैजिक होता है। अरे यार ये तो कार ही फट गई भाई साहब, अब दूसरी कार स्पॉन करते हैं। चलो ओके गाइस मैंने आरपीजी फिर से ले ली और अरे यार भाई इस बार आरपीजी नहीं चलाई इसने, हद है यार। अब वापस से उतरते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ। अबे भाई ये तो अपने आप ही फट गई, मैंने तो बटन भी नहीं दबाया। लेकिन यार ये बिग लाइट वगैरह ये सब क्यों करवाया, कुछ खास मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, तो ये वाला मेथ बस्ट है। अब आ चुका है गाइस लास्ट मिथ 1001 और 8000 को स्काई फॉल करते हुए बैठो तो मैजिक होगा। तो यार 1001 से शायद कोई कार आती है लेकिन कौन सी। ओके यहाँ पर लेजेंडर आ चुकी है यार। अब यहाँ पर जल्दी से हेलीकॉप्टर को भी बुलाते हैं, 8000 से आता है सभी को पता है। तो हेलीकॉप्टर और इसके अंदर एक साथ बैठना अपन को, तो यहाँ पर दोनों के बटन साथ में, तो ओके आ रहे आ रहे। चलो भाई बैठते हैं। अभी पीछे कैसे बैठ गया, काफी अजीब तरीके से बैठा है और मैं हेलीकॉप्टर को उड़ा भी सकता हूँ लेकिन ये ग्लिच नहीं है भाई। रुक 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 वापस उतर, अपने को स्काई फॉल भी लगाना है, ये तो मैं भूल ही गया। तो स्काई फॉल लगाने के लिए सबसे पहले इन्फिनिटी हेल्थ लगानी पड़ेगी 9129। चलो भाई ये काम हो गया, अब लगाते हैं 1120 का स्काई फॉल और यहाँ पर बैठने वाले बटन भी साथ में दबाना है। लेट्स गो और देखते हैं गाइस क्या होता है। तो यहाँ पर अपना कैरेक्टर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है और मैं हेलीकॉप्टर को भी उड़ा के ऊपर लेके आ रहा हूँ। ओके 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 और भाई साहब यहाँ पर कुछ ओ अरे हाँ याद आया यार, ये वाला ग्लिच मैं ट्राई कर चुका हूँ। बे यार ये वाला पुराना ग्लिच है यार, मैं भूल गया। लेकिन गाइस जिनको नहीं पता वो ये देखो यार, काफी मजेदार ग्लिच है। मतलब अपना जो कैरेक्टर है बार बार ऊपर नीचे गिरता रहता है यार, और एक टाइम आता है जब ये वॉइड में गिर जाता है। अभी देखना थोड़ी देर में ये वॉइड में गिर जाएगा, ये देखो भाई ये गया। तो गाइस ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक जरूर करना और हाँ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट एंड ग्लिच कमेंट कर दो, अगली वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लव यू ऑल।